मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक प्रसूता गेट पर तड़पती रही, यहाँ तक कि उसका प्रसव होने के बाद बच्चा फर्श पर पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल के अंदर से कोई भर्ती करने नहीं आया और महिला को अंदर ले जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ड्यूटी पर डॉक्टर अब जांच करने की दुहाई दे रहे हैं। सोमवार की रात करीब 11 बजे यहां ट्रामा सेंटर के मुख्य द्वार पर एक प्रसूता डिलीवरी के लिए तड़पती रही, लेकिन उसे न तो कोई अंदर लेकर गया और न ही भर्ती कराया गया। सामने मौजूद कुछ युवकों के हल्ला मचाने के बाद लेबर रूम का स्टाफ नीचे उतरा और फिर महिला को अंदर ले जाया गया। दरअसल बोड़ी गांव की वृद्धा मुन्नीबाई प्रसव पीड़िता से तड़पती अपनी बेटी को लेकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां एम्बुलेंस चालक ने प्रसूता को गेट पर ही उतार दिया और साथ आई वृद्धा को पर्ची बनवाने ट्रामा सेंटर से दूर मुख्य अस्पताल भेजा दिया गया। इस बीच एम्बुलेंस वापस हो गई और प्रसूता अकेले ही गेट पर आधे घंटे तक तड़पती रही, यहाँ तक कि वह खून से लथपथ हो गई और उसकी प्रसूति गेट पर ही हो गई। इसे देखकर वहाँ मौजूद युवक व्हीलचेयर ले आए, लेकिन महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे उठाकर अंदर नहीं ले जा सके। अम्मा, क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी भाई, किसको लेकर आई हो आप? रेखा भाई को। कौन है? सिलू का। आपके कौन है? हमारा मेरा बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ। कब दर्द हुआ चालू उसको और क्या हुआ था, पूरा बात बताओ। दर्द वो कम से कम 10-11 बजे तक होगा, उसको दिन भर घबरा हो। अच्छा, तो आप दिन भर से क्यों नहीं लेकर आए? तो हम सोयाबीन काटने निकल गए सवेरे से। अच्छा, फिर एम्बुलेंस कब आई? मुल्ला साहब आशा भाई ने खबर, आशा भाई खबर गया, फिर उसको फोन किया, फिर गाड़ी गया यहाँ से लेन को लिए। तो यहाँ तेला भेजा उसने और कागज पर्ची बनाने को भी नीचे गया और उन्हें यहाँ छोड़ दिया और फिर नहीं आया और बच्चा हुआ डिलीवरी हो गया यहाँ पे। यही डिलीवरी हो गई? हाँ। आशा भाई नहीं आई? नहीं आया। और यहाँ कोई लेने आया अस्पताल में? यहाँ से कोई नहीं आया था भैया। अच्छा, कोई नहीं देखे उसको? अगर आप नहीं देखती तो कैसा होता, क्या होता? कहाँ पता कैसा होता, इसमें तो भैया खत्म कर देते। अभी कैसी है भाई? अभी ठीक है। बच्चा? बच्चा भी ठीक ही है। बच्चा ठीक है। क्या लापरवाही लग रही है आपको यहाँ पर? कहाँ भैया, इसे देखा नहीं, ऐसे में तो बच्चा भी खत्म हो जाएगा और को मम्मी भी खत्म हो जाएगा, है नहीं? ठीक बात। देखना जी, देखना चाहिए। अभी देख रेख कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अभी देख रेख कर रही। भाई का नाम क्या है? रेखा। और आपका? मेरा नाम मुन्नी। आप दोनों ही आए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? पीयूष कैटवास नाम है सर। पीयूष, क्या हुआ था जब आपने देखा यहाँ पर, क्या हुआ? जी सर, मैं यहीं बेंच में सोया हुआ था, तभी एक एम्बुलेंस आके रुकी, 108 डाई। तो यहाँ सर उसने उतारा है गर्भवती महिला को और अम्मा जी को। अम्मा जी को उतार के बुलाया कि ओपीटी से आप पर्ची बना के दी। उतनी देर में एम्बुलेंस घूम के वापस चली गई सर। अम्मा जी अपनी पर्ची बनाने गई और गर्भवती महिला यहीं पास में बैठी हुई थी, तड़प रही थी। वो सीरियस केस था सर वो, और कोई भी यहाँ नीचे मौजूद नहीं था सर। अब हम एक भाई ने हमारे देखा कि बच्चा भी हो गया सर, 15-20 मिनट से अम्मा आई नहीं और बच्चा भी हो गया। उतनी देर में अम्मा का आना हुआ तो ना आशा कार्यकर्ता, ना एम्बुलेंस वाला, ना कोई यहाँ का कर्मचारी, कोई भी नहीं था सर। कोई वार्ड बॉय वगैरह? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। कोई स्ट्रेचर लेकर आया है? कोई लेके नहीं आया सर, कुछ नहीं था। चेयर, एक चेयर मेरा भाई लेके आया है और एक चेयर मैं खुद लेके आया हूँ सर। और जब मैं ऊपर जाके ये बात बोला तो मुझे नर्सेस कहती हैं कि हमारा केस नहीं है, जो गायनिक वाली हैं उनका केस है, आप उनको भिजवाइए। मैंने जाके देख लीजिए कि बच्ची ठीक है कि नहीं, सिर्फ इतना देख के आप बता सकते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप नर्सेस हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मैं चेयर लेके यहाँ दौड़ा हूँ और सर उतनी देर में फिर सब लोग उतरे हैं। जब चिल्ला चोट हुई है सर तब जाके उन लोग आए, कम से कम 15 मिनट। जी, बहुत बड़ी लापरवाही है सर। आपको लगता है कि अगर महिला गलती होती तो शायद बच्चे की भी मौत हो जाती? जी सर, हो सकती थी सर। जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आखिर हल्ला मचाने के बाद लेबर रूम के आए स्टाफ ने उसे अंदर लिया और जाकर भर्ती किया। घटना के दौरान गेट पर न तो गार्ड तैनात था और न ही वार्ड बॉय। गार्ड के मुताबिक वो एक पेशेंट को लेकर अंदर गया था, जबकि वहां कोई भी वार्ड बॉय तैनात ही नहीं रहा था है। वृद्धा और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया तो रक्तस्राव से महिला की जान भी जा सकती थी। वहीं अगर महिला पैदल चल रही होती तो उसका बच्चा गिरकर मर सकता था। ड्यूटी पर डॉक्टर इसे एम्बुलेंस की लापरवाही बता रहे हैं और जांच करने की बात कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये मामला आया सामने कि गेट पे प्रसूता की वहीं गेट पे डिलीवरी होगी, क्या लापरवाही लगती है? देखिए सर, इसमें लापरवाही का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। पेशेंट को डिलीवरी वार्ड पर बना हुआ है, डिलीवरी वार्ड में वहीं भर्ती कराते हैं, पेशेंट कहीं से रेफर आया होगा। ये 108 के चालकों की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो पर्चा कटवा के पेशेंट को एडमिट करा के ही
उसके बाद ही वो जा सकते थे, और कहीं ना कहीं उसमें देखना पड़ेगा कि ड्राइवर ने उसको एडमिट कराया था कि नहीं कराया था, इसकी जानकारी मैं सिस्टर से लेता हूँ। उसने क्या किया कि पेशेंट को वहीं छोड़ दिया और जो उसके साथ महिला आई थी उसको पर्ची कटाने दी? नहीं, ये गलत है, और संबंध में अपने उच्च अधिकारी को बात करके इन्फॉर्म करेंगे। सर, वार्ड बॉय भी नहीं था उस समय कि उसकी महिला को अंदर वार्ड में ले जाया जाता, वो भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो वहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं थी, ना वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था थी। और मैं इसको दिखवाता भी हूँ और अपने सीनियर अधिकारी उनको इन्फॉर्म करके इस मामले को बताता हूँ सर को इन्फॉर्म करता। सर, लग रहा है कुछ गंभीर मामला, मैंने जिस तरह से वीडियो दिखाया वो, और उसको जाँच करके देख करके बता पाएंगे अच्छे से, और कौन कौन लोग थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे या उस समय कहाँ थे उसके भी पता करके और सीनियर से उसकी चर्चा करेंगे। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।